हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आइलैंड फिशिंग टूर। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए जिसमें है गंगा पूजा, जो नॉर्थ एंड मिडिल साइड में आते हैं डिगलीपुर पे। तालबगन बीच बोलते हैं हम। ये बीच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है और जो है अंडमान के शायद सबसे बड़ा बीच है। और यहाँ का जो बगल में झाऊ का पेड़ है, ये भी खूबसूरती बढ़ाता है बीच का। तो देखते हैं, यहाँ पे आज गंगा पूजा है जो बंगाली लोग के लिए बहुत खास दिन होता है। यहाँ माँ गंगा के लिए पूजा करा जाता है हमें। तो हम जो है बीच का एक सेंटर पॉइंट से निकला है। यहाँ पर कोई रोड नहीं है, इस कारण कुछ वजह से हमारी गाड़ी बहुत दूर में था, वहाँ से थोड़ा दूर पैदल आया। 10 मिनट का रोड था। तो आगे देखेंगे क्या होता है। बीच बहुत बड़ा है, सारी जगह घूमेंगे और आप लोग एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। और एक बात, इस बीच के बारे में जो भी कुछ जानता है पूरा कमेंट कर दीजिए। और जो भी व्यूवर्स तालबगन के हैं वो अपना गाँव का नाम ज़रूर लिखे, ताकि मुझे भी पता चले तालबगन से कौन कौन है। अरे बोल दो,
दूसरी तरफ जो है यहाँ पे बोट से भी आ सकते हैं, जो छोटा छोटा नाव है, जो हालिस बोलते हैं इसे, मैनुअली बोट। इसमें भी पहाड़ों के आदमी लोग आते हैं, बहुत जंतु तैर के भी आ जाते हैं। ये जो बीच है, तीन गांव मिला हुआ है, इसमें तीन गांव जोड़ के एक बीच है, लंबा से बीच। जो एक कौन इस साइड पर जो बोट में आ रही है, ये लोग सब पश्चिम सागर वाले हैं। बाद यहाँ से यहाँ पे लेकर के
झाव पर जा देखे आखिरी झाव पर बहुत दूर है, करीबन 3 किलोमीटर है, बीच है तो तालबगढ़ नीचे हम लोग थोड़ा डेवलप करने मांगते हैं। ये हमारा गांव है किशोरी नगर जो है उसके नाले के बीच में है। यहाँ पे रोड ब्लॉक का रोड और ब्लॉक रोड बन से मट्टी का रोड बना है, पक्का रोड नहीं हुआ। इसलिए क्या है ये जो बीच है ये बहुत ही अच्छा बीच है क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कोई टान नहीं है, एक लेवल वाला बीच है। यहाँ पर अगर टूरिज्म बढ़ाएगा तो बहुत अच्छा है। और देखिए कितना आदमी कर रहे हैं, कितना बहुत सारा आदमी कर रहे हैं। बीच में जाएंगे तो पत्थर है, उधर बहुत है, उधर भी आइलैंड है, पूरा घिरा हुआ है ऐसे ना, पूरा ऐसे घिरा हुआ है, ज़्यादा बड़ा हल्का ना हो, लेकिन एक नज़ारा ही यहाँ का अलग है। हमारे बीच जो है ताल में गैस और भी बहुत कुछ है जो एक वीडियो में संभव नहीं हुआ दिखाने के लिए। हमने पश्चिम सागर भी गए थे बोट में, उससे भी बहुत 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 अच्छा चीज़ है। तो अगले वीडियो भी आएंगे बहुत जल्द।